Very good morning, everyone. This is Deepak Upadhyay, your math teacher. So class 7, as you can see here, I have written probability. So this chapter we are going to start. In the last session also, I have taught this chapter. So let us discuss about this. Probability is with a possibility. It is the mathematical branch in which we basically deal with the calculating the possibilities or likelihood of the given event occurs कि वो क्या उसकी जो है होने की संभावना क्या है इसके ऊपर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिपेंड करती है. बेसिकली अगर हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ठीक है तो देयर इज वन फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम और इवेंट. चलिए इसको इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली किससे विद एक्सरसाइज. चलिए एक्सरसाइज से पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. लाइक द फर्स्ट एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में आप समझ लेंगे जरा क्या दिया हुआ है. लाइक इसमें क्या पूछा हुआ है डिस्क्राइब द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स यूजिंग द वर्ड्स. यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इनमें से बताना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें लग सकती है कि वो पॉसिबिलिटी में आप डेफिनेटली श्योर हैं या वो एवरेज पॉसिबिलिटी है या उसकी होने की जो चांसेस है बहुत कम है या वो ठीक ठाक चांसेस है. ठीक है लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज शी थ्रोज अ टेल विद अ कॉइन. एक पर्सन है जिसने क्या किया कॉइन टॉस किया एंड आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन व्हाट शी ऑब्जर्व कि वो क्या आ रहा है टेल आ. ठीक है हेड एंड टेल जानते हैं आप लोग तो टेल आ तो ये पॉसिबिलिटी कैसी है सर्टेन है कि अनसर्टेन. ये इवन चांस ये पॉसिबिलिटी है या तो देखो जब हमने क्या किया टॉस किया तो या तो वो क्या आएगा या वो हेड आएगा या टेल तो ये पॉसिबिलिटी कैसी है इवन. ठीक इवन चांस बेसिकली क्या होता है इफ द चांस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर सेम. मतलब टेल आने की और हेड आने की टेल आने की और ना आने की मतलब हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है सिमिलर है बराबर है तो इस कंडीशन में ऐसी जो पॉसिबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड इवेंट चांस. ठीक है सेकंड थिंग क्वेश्चन देखिएगा इंडिया विल विन द मैच. अब इंडिया विल विन द मैच इंडिया मैच जीतेगा ये आपकी कैसी पॉसिबिलिटी है. ठीक है यहाँ पे सर्टेनिटी आपकी क्या लग रही है जीत भी सकती है और हार भी सकती है तो ये भी आपका इवेंट चांस हो सकता है. नेक्स्ट इट इज इट विल नॉट रेन फॉर 12 मंथ. अब 12 महीने तक बारिश ही नहीं होगी ये अगला क्वेश्चन है तो दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी क्या चांसेस में ऐसा पॉसिबल है 12 महीना पॉसिबल है या नहीं है तो ये क्या आपका पुअर चांसेस है. पुअर चांस इफ एन इवेंट इज लेस लाइकली टू हैपन दैट नॉट टू हैपन मतलब ऐसा पॉसिबल ना होने की एकदम ना के बराबर बात हो तो उस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं पुअर चांस. इसको समझ लीजिए जरा चांसेस को समझ लेते हैं. एज आई टोल्ड यू फर्स्ट मैंने बताया इवन चांस जहां पे कोई चीज की पॉसिबिलिटी होने या ना होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सेम हो उस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं इवन चांस पॉसिबिलिटी कहते हैं. ठीक श्योर या सर्टेन चांस. श्योर चांस मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो पूरी तरीके से डेफिनेटली क्या हो श्योर हो कि वो होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा इसमें आपके क्वेश्चन में देख लेते हैं हम If you work hard, you will pass the examination. अगर तुम पढ़ाई करोगे तो ये आपका क्या है ऐसी चीजें चांसेस हैं गुड चांसेस हैं. और भी एग्जाम्पल्स को देख लीजिए. श्योर चांसेस में क्या होता है कि जैसे टुमारो आज कौन सा दिन है आज आपका जो है दैट इज मंडे टुडे इज मंडे सो टुमारो इज ट्यूजडे तो दिस इज अ श्योर चांस कि टुमारो विल बी ट्यूजडे अकॉर्डिंग टू टुडे. ठीक है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज इम्पॉसिबल या फिर नो चांस. नो चांस पॉसिबिलिटी इज द टाइप ऑफ द पॉसिबिलिटी जहां पे पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से क्या हो संभावना ना के बराबर हो. जैसे माय बर्थडे फॉल्स ऑन 15th जून नेक्स्ट ईयर इट विल फॉल ऑन 15th मई ऐसा हो सकता है क्या किसी का बर्थडे 15 जून है नेक्स्ट ईयर क्या 15 मई पे हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता. तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी इज नोन एज द नो चांस. गुड चांस इफ एन इवेंट इज मोर लाइकली टू हैपन दैट नॉट टू हैपन है ना. गुड चांस में क्या होगा मतलब परसेंटेज ऑफ बीइंग पॉसिबिलिटी वो ज्यादा हो. एक इसको समझिएगा
इवन चांसेस में क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी हो सकता है आधी ना हो आधी हो। आपका गुड चांसेस में क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी इतनी परसेंट जो है हाँ में है और इतनी हो सकता है ना भी हो। ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, गुड चांस। पुअर चांस में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा। ठीक है, इतनी ना होने के चांसेस है और हो सकता है कि वो थोड़ा सा हो भी जाए। परसेंटेज अगर समझे 75% पॉसिबिलिटीज की पॉजिटिव होती है ना, और आपका ये 100% श्योर है, ये 100% ये भी नो है, और ये आपका 50-50% में है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एंड दिस इज 50% पॉजिटिव, एंड जो आपका नेक्स्ट है पुअर कंडीशन, पुअर में क्या होता है निगेटिव होती है 75% पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज इज जस्ट बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में बात करें, दैट विल बी बेस्ड ऑन द दिस फॉर्मूला। एज फॉर ईच सिचुएशन राइट आउट द लिस्ट ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम। अब आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, यू हैव टू राइट दिस। ठीक, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, इट स्टेट्स दैट टॉसिंग अ सिंगल 5 रुपीज कॉइन। अब 5 रुपीज का एक सिंगल कॉइन आपने लिया है, उसको टॉस करेंगे जब आप, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, इधर इट विल बी टेल और हेड, यही तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस आपको वो चीज लिखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं, पिकिंग अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वॉवेल ऑफ 8 अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट सॉरी। अब इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल जो आप जितने भी लेटर होते हैं उसमें से वॉवेल्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम में ए होगा, ई होगा, आई, ओ और यू, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी of getting all the vowels। तो सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, you have to write all the possible outcome, और कुछ इसमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, what is the probability of getting a vowel from this one? Vowel किसमें से निकाले हैं, I, E, A, O, U, these are the letters which is given question number second, and the question is asking find, take out the probability of getting a vowel। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब बताओ इन नंबर्स में से कितने वॉवेल्स हैं, टोटल 5, 5 आउटकम्स हैं और टोटल नंबर कितने हैं 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मतलब इनमें से सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपको करना है वो आपको करना है कि कितने फेवरेबल आउटकम है और आपका राउंड में क्या आएगा टोटल, पांचों के पांच आ गया इसलिए 5 आएगा और टोटल कितने 5 के इसलिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ मंथ ऑफ द ईयर हैविंग 31 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें उन मंथ्स में जितने में 31 डेज आते हैं। अब 31 डेज वाले कितने मंथ है, जनवरी में आता है, मार्च में आता है, मई में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, नेक्स्ट अगस्त के बाद अक्टूबर में आएगा, एंड देन दिसंबर, कितने डेज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो प्रॉबर्टी क्या हो जाएगी, 7 आपके टोटल फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल नंबर आउटकम देते हैं 12, दिस विल बी द प्रॉबर्टी ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसके आगे आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नेक्स्ट लाइव सेशन में इसके डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपको करना क्या है, प्रॉबर्टी निकालने के लिए आपको टोटल फेवरेबल आउटकम लिखने हैं ऊपर और सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखने हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे लिखने हैं, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग आउट द प्रॉबर्टी। Thank you for today class. Thank you, class.